हेलो डियर स्टूडेंट, इन दिस सीरीज वी डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। लास्ट चैप्टर में हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे कि इक्विलिब्रियम क्या होती है, क्या कंडीशन होती है कि कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लेती है। तो हम आज उसी के आगे डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, तो देयर आर टू टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। नंबर वन इज फिजिकल इक्विलिब्रियम, एंड नंबर सेकेंड इज केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ही हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम को। फिजिकल इक्विलिब्रियम को इफ देयर इज इफ देयर इज चेंज इन फेज चेंज इन फेज इफ देयर इज चेंज इन फेज एट द इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पे फेज चेंज हो यदि, तो क्या हो जाएगी उस इक्विलिब्रियम को हम नाम दे देंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। जैसे H2O लिक्विड, यदि ये H2O गैस के साथ या H2O वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में हो तो यहाँ पे फेज क्या हुआ है, चेंज हुआ है, और यह एक स्टेट फिजिकल चेंज हुआ है, फेज चेंज हुआ है और इक्विलिब्रियम में सिस्टम है, तो हम इसको नाम दे देंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं H2O सॉलिड, H2O लिक्विड, यहाँ पे फेज चेंज हुआ है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो हम इसे क्या नाम देंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम। एलोट्रॉपिक चेंज को भी, एलोट्रॉपिक चेंज को भी हम किस कैटेगरी में रखेंगे, एलोट्रॉपिक चेंज इज आल्सो कंसिडर्ड एज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, एलोट्रॉपिक चेंज को भी हम फिजिकल चेंज में या फिजिकल इक्विलिब्रियम में कंसीडर करते हैं। एलोट्रॉपिक, पहले एलोट्रॉप्स क्या है, कोई भी एलिमेंट या कोई भी सबस्टेंस अगर एक ही नेचर में एग्जिस्ट करता हो, सेम टाइप के एटम से बना हो, तो उसे एलोट्रॉप कहते हैं। कोई भी मैटर नेचर में एग्जिस्ट करता हो और सेम टाइप के एटम से मिलके बना हो, तो वो क्या होता है, एलोट्रॉप होता है। जैसे नेचर में कार्बन अगर एग्जिस्ट करेगा तो ग्रेफाइट के फॉर्म में करेगा, या तो डायमंड के फॉर्म में करेगा, या तो फुलरेन के फॉर्म में करेगा। ऑक्सीजन नेचर में मिलेंगे तो या तो ऑक्सीजन के रूप में मिलेंगे या तो ओजोन के रूप में मिलेगी। फास्फोरस के एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, रेड फास्फोरस। फास्फोरस नेचर में मिलेगा तो रेड फास्फोरस में मिलेगा, या ब्लैक फास्फोरस में मिलेगा, या वाइट फास्फोरस में मिलेगा। तो हम लोग देख जा रहे हैं कि यदि एलोट्रॉपिक चेंज होगा तो वो भी किस कैटेगरी में आएगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम में आएगा। तो कार्बन ग्रेफाइट यदि इक्विलिब्रियम में हो, कार्बन डायमंड के, तो ये भी किस कैटेगरी में रखेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम में। आप लोगों को समझ में आ गया, यदि फेज चेंज हो या एलोट्रॉपिक चेंज हो, और फेज चेंज हो या एलोट्रॉपिक चेंज हो, तो किस कैटेगरी में आ जाएगा वो पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम, किस कैटेगरी में आ जाएगी इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में आ जाएंगे। नेक्स्ट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम
नेम से ही पता चल रहा होगा कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम होने वाली है, तो देयर इज केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड इन दिस रिएक्शन बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम। तो इसको किस कैटेगरी में रख देंगे, एग्जाम्पल में समझेंगे। जैसे नाइट्रोजन प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव 2 मोल ऑफ अमोनिया। यहाँ पे देख रहे हैं इनके बाड इनके बीच की जो एग्जिस्टिंग बाड है वो ब्रोकेन होकर के अमोनिया को कन्वर्ट कर रहा है और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। तो एक इस कैटेगरी में आ जाएगा, एक केमिकल इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में आ जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी। जैसे और एग्जांपल लेता हूँ, N2O4 2NO2 में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ के बॉन्डिंग ब्रेक होकर के किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। यदि इक्विलिब्रियम में हो और केमिकल चेंज हो, मतलब एग्जिस्टिंग बॉन्ड ब्रेकिंग हो और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, केमिकल रिएक्शन हो और उसके बीच में इक्विलिब्रियम हो, तो केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को और तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो हम पहले ही बात करेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम इफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के क्या कंपोनेंट होते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेज एट इक्विलिब्रियम देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल में देखेंगे समझेंगे इसको। नाइट्रोजन गैस विथ 3 हाइड्रोजन गैस गिव 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस। यहाँ पे देख रहे हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और रिएक्टेंट भी गैस फॉर्म में है और प्रोडक्ट भी गैस फॉर्म में है। सेम फेज में हो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगी, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में। किस कैटेगरी में आ जाएगी, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में। और होमोजीनियस इक्विलिब्रियम इज अ टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करेंगे, CH3COCH2H5। इसका हाइड्रोलिसिस, ये लिक्विड है, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये भी लिक्विड, रिएक्शन करके क्या बना लेगा, CH3COOH लिक्विड प्लस C2H5OH लिक्विड। यहाँ पे देख रहे हैं सारी फेज क्या है, सेम है, लिक्विड में सारे कंपोनेंट क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑल आर इन द सेम फेज, सो दीज आर कम्स इन टू द होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। दोनों रिएक्शन किस में, होमोजीनियस, क्यों, क्योंकि फेज क्या है, सेम है, फेज सेम है, इसलिए किस कैटेगरी में आएगा, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में। अब सेकेंड बात कर लेते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में। सेकेंड इज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम
हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो यहाँ पे देखने में ही लग रहा है कि इफ़ ऑल द कंपोनेंट कंपोनेंट मीन्स रिएक्शन के कंपोनेंट कौन से, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, आर टू आर मोर देन टू फेज, टू आर मोर देन टू फेज एट इक्विलिब्रियम, तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जाम्पल है कार्बन सॉलिड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, गिव 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। यहाँ पे देखिए सॉलिड है, गैस है, गैस है, वो एक से ज़्यादा फेज एग्जिस्ट कर रहा है इस इक्विलिब्रियम में, इस रिएक्शन में, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन है, फेज क्या है, मोर देन वन है, तो किस कैटेगरी में आ जाएगा, हाइड्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, हाइड्रोजन एक्वस, एक्वस का मतलब कि हाइड्रोजन सॉल्यूशन स्टेट में है, हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन स्टेट में है, एक्वस प्लस वन इलेक्ट्रॉन गिव 1/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे देखिए लिक्विड, यहाँ पे फेज अलग है, यहाँ पे फेज अलग है, तो इस किस कैटेगरी में आ जाएगा, यह किस कैटेगरी में आ जाएगा, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट के हीटिंग कर दें तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉलिड सॉलिड गैस। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फेज क्या है, मोर देन वन फेज है, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है, तो इस इक्विलिब्रियम को कौन सी कैटेगरी में रख देंगे, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में रख देंगे। समझ में आ गया होगा होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, क्लियर होगा एकदम। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल कब होगा, केमिकल होगा कब होगा, ये समझे हैं। इसके बाद टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस कब होगा, जब किसी रिएक्शन के सारे फेज सेम होंगे और इक्विलिब्रियम होगा, तो इस इक्विलिब्रियम को नाम दे देंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। और यदि रिएक्शन के कंपोनेंट डिफरेंट फेज में होंगे, मोर देन वन फेज में होंगे, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी, तो इक्विलिब्रियम को नाम दे देंगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। बात क्लियर हो गई होगी, आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट ऑल द टॉपिक विच इज डिस्कस्ड अबाउट विच इज डिस्कस्ड ऑलरेडी डिस्कस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।